नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रैवुश चैनल पर, जहां हम आपको लेकर जाएंगे यात्रा के सफर पर। आज हमारी नजरें हैं उत्तर प्रदेश के शहर आगरा की ओर, जहां विश्व के सुंदरतम भव्य इमारत ताजमहल है। Stay tuned as we embark on a journey from Delhi to the Taj Mahal in Agra. How can we get there? And how much will it cost for this journey? Everything will be covered in this Travush vlog. अगर आप भी खुद को यहाँ पहुँचने का सपना देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आगे होने वाले संवादों में हम आपको बताएंगे कि आप इस अनूठे सफर को कैसे अनुभव कर सकते हैं और उसके लिए कितना खर्च करना होगा। So stay with us and let's move towards a golden page in this journey. And yes, if you haven't subscribed to Travush yet, click now to subscribe so you don't miss out on our upcoming adventures. Hello everyone, welcome to Travush, and today we'll be exploring the Taj Mahal, the symbol of love. So चलिए चलते हैं। All right folks, let's get our luggage set up in our car. Agra, here we come. So दिल्ली से आगरा जाने में आपको 3 टोल पड़ेंगे एंड अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपये का खर्चा आएगा एक गाड़ी के ऊपर। और अगर आपकी गाड़ी की एवरेज अराउंड 14-15 है और 100 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से आप ऑयल उसमें डलवा रहे हैं, तो 2000 रुपये पड़ेंगे पर कार आपको दिल्ली से आगरा जाने में। यमुना एक्सप्रेस वे पर आपको खाने पीने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, काफ़ी अच्छी जगह है, तो वहाँ आप अपना खाना वाना खा सकते हो, अच्छी प्रीमियम जगह भी है। सो ट्रैवल करते करते हम पहुंच गए आगरा एंड रात हो गई है। सो हमने एक होटल बुक किया है अतुल्य ताज करके, ये एक 4-स्टार प्रॉपर्टी है, आगरा के ईस्ट गेट से अराउंड 600 मीटर्स दूर है वॉकिंग डिस्टेंस, एंड इट्स अ वेरी गुड प्रॉपर्टी। हमने यहाँ पे एक डीलक्स रूम लिया जिसमें कि हम 3 लोग स्टे करेंगे। गाड़ी से अपना लगेज वगैरह निकाल के और रूम में सेटअप वगैरह करते हैं। सो रूम में 3 बेड है, ऑल अमेनिटीज, हॉट एंड कोल्ड वाटर, एसी, वाईफाई, टीवी, वार्डरोब। रात को भी हम यहाँ पे सामान वामान रख के सोने से पहले एक बार चाय पीने जाएंगे, बहुत फेमस जगह है। तो आपको फौजदार टी स्टॉल दिखी, ये ताजमहल अगर सेंटर में ले तो उससे 2.5-1 किलोमीटर दूर होगा, ठीक है, आप गूगल पे करोगे आ ही जाएगा। इस चाय बहुत फेमस है, 20 रुपए की चाय देता है ये, ठीक है, और आगरा आके ये ज़रूर ट्राई करना भाई, बहुत भीड़ होती है अभी भी। हाँ, और काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे, मतलब अगर चाय वाय बना रहा हो तो कम से कम नहीं तो आधे घंटा तो वेट है ही है। अब भीड़ देख रहे हो कितनी है वहाँ पे टी स्टॉल के पास, और ये 24 घंटे खुलता है, तो दैट इज़ द प्लस पॉइंट। सो आज रात के लिए गुड नाइट एंड कल हम ताजमहल देखेंगे। ठंड एक्सट्रीम लेवल पे और हम तैयार हो गए रिक्शे पे, तो 20-20 रुपये रिक्शा चलता है यहाँ से बाहर पार्किंग से ईस्ट गेट VIP एंट्रेंस, आई थिंक पहुँच गए, नहीं पहुँच गए।
ताजमहल के ईस्ट गेट पे हम पहुंच गए, और मैं बता देता हूँ ताजमहल में एंट्री के लिए 50 रुपीज़ फॉर इंडियन, 200 फॉर फॉरेन टूरिस्ट, और अगर ताजमहल के अभी एक्चुअल अंदर जाना है मुसोलियम में तो उसके 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, और अगर आप ऑनलाइन बुक करोगे टिकट तो आपको 50 की जगह 45 रुपीज़ ही देना पड़ेगा, और यहाँ एंट्री गेट पे आपको टिकट स्कैन हो जाएगी, ठीक है, और आप अंदर यहाँ से जाओगे जहाँ पे आपको चेकिंग वगैरह होगी आपकी, ठीक है। तो अंदर स्टिल कैमरा जिसमें जैसे कि आप फ़ोटोज़ खींचते हो, DSLR वगैरह ले जा सकते हो, और कैम कॉर्डर्स नहीं जाएंगे, माइक नहीं जाएगा, ऐसे पूरी एक लिस्ट है, आप गूगल करोगे तो आपको वहाँ मिल जाएगी कि क्या क्या नहीं जा सकता, ठीक है। साथ में कोई नाइफ़ वगैरह नहीं जाएगा, और आपके की चेन में भी नाइफ़ वगैरह होता है वो सब नहीं ले जा सकते आप, तो कुछ है बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, बाकी आप अपना फ़ोन ले जा सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। गिम्बल जो DSLR का होता है वो मे भी चला जाए, बट बहुत हाईली अनलाइकली वो अंदर जाने देंगे। मोबाइल गिम्बल जा सकता है, और ट्राईपॉड किसी भी टाइप का नहीं जाएगा, चाहे एकदम अटैच्ड हो चाहे अलग हो। चलिए अंदर पहुंच गए हैं, लेट्स स्टार्ट। एक सुनहरी शाम ताजमहल की सफेद चांदनी में चमकते हुए आसमान ने एक नई कहानी सुनाई। ये कहानी नहीं बस एक भव्य संगीत ही नहीं बल्कि एक प्रेम कथा भी है जो समय की कहानी बताती है। ताजमहल शाहजहां के प्रेम में बसी एक निर्माणकला की श्रृंगारशील बूटी है। इसकी नीले आसमान को छूने वाले शिखर ने प्यार की उच्चता को सुरक्षित किया है जो इसे एक सर्वांगीण रूप में बना देता है। ताजमहल की कहानी शुरू होती है जब शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के प्रति अपनी अद्वितीय प्रेम की भावना को इस सफेद संगीत के माध्यम से व्यक्त किया। मुमताज के निधन के बाद शाहजहां ने उसके समर्पण के रूप में इस अद्वितीय स्मारक का निर्माण करना निर्णय किया। ताजमहल प्यार के रंग में समाहित होने वाली एक महाकाव्य है। इसकी सफेद मार्बल से बनी दीवारें प्रेम की गहराइयों को छूने वाली कहानी को सुनाती हैं। यह नहीं केवल एक इमारत है बल्कि एक अनबोधित कविता जो इस विश्व में अद्वितीयता की ऊंचाइयों को छूती है। ताजमहल का हर पत्थर एक शायर है जो शाहजहां और मुमताज की कहानी को सुनाता है। इसकी छतें रात के अंधकार में चमकती हैं, और चांदनी के चमक में इसकी सफेदता भरी बहुमुखी सौंदर्यता का रहस्य खोलती हैं। ताजमहल का सफर आज भी हमारे दिलों में गूंथा हुआ है। इसे देखते समय इंसान की रूह भी कहानी का हिस्सा बन जाती है। तो चलिए इस प्यार भरे सफर में हम साथ चलें और इस अद्वितीयता की कहानी को नए रूप में अवलोकन करें। ये थी ताजमहल प्रेम की कहानी। हम आपको इस अनूठी यात्रा में साथ लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। यही है ट्रैवल्स चैनल का वादा, सफर की हर कहानी हर कोने से आपके साथ। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताज महल बिगैन इन 1631 अंडर द मुगल एम्परर शाहजहांस ऑर्डर्स। इट टुक अप्रोक्सीमेटली 22 इयर्स टू कंप्लीट द एंटायर कॉम्प्लेक्स। With the main mausoleum finished in 1648, the Taj Mahal was designed by Ustad Ahmad Lahori, and the construction involved thousands of artisans, craftsmen, and laborers. The use of white marble from Makrana, Rajasthan, and the incorporation of precious and semi-precious stones make it a marvel of Mughal architecture, the Taj Mahal was. Built by Shah Jahan in memory of his beloved wife, Mumtaz Mahal, who died during childbirth in 1631, Mumtaz Mahal's tomb is at the center of the complex, while Shah Jahan's tomb was added later. Next to hers, the Taj Mahal was designated as a UNESCO World Heritage Site in 1983 for its cultural significance and architectural brilliance. It is often regarded as one of the seven wonders of the world. The Taj Mahal complex includes a charbagh, four-part garden, a mosque, and a jawab, a building mirroring the mosque, dot, the reflective pool, known as the Yamuna River, inlaid with intricate designs, enhances the visual appeal of the mausoleum. The white marble of the Taj Mahal is adorned
with delicate inlay work of precious and semi-precious stones such as lapis lazuli, jade, crystal, turquoise, and onyx, the intricate patterns and calligraphy showcase a high level of craftsmanship. In 1658, Shah Jahan was overthrown by his son Aurangzeb, who imprisoned him in the Agra fort from where he could view the Taj Mahal until his death in 1666. The Taj Mahal appears to change colors during different times of the day, reflecting the changing moods of Shah Jahan's love for Mumtaz. Sunri Se and sunset are particularly magical moments to witness this phenomenon. In recent years, environmental pollution and human impact have taken a toll on the Taj Mahal, leading to discoloration of the marble. Conservation efforts, including a mud pack therapy, have been implemented to restore its original glory. The Taj Mahal attracts millions of visitors from around the world annually, making it one of the most visited tourist destinations. It remains a symbol of India's rich cultural heritage and the enduring power of love. The Taj Mahal stands not only as an architectural wonder but as a testament to the timeless love between Shah Jahan and Mumtaz Mahal, continuing to captivate the hearts and minds of. So basically, ye tha Taj Mahal ka tour pura. आपने सारी हिस्ट्री एंड एवरीथिंग सुनी ली. एंड इसका जो सबसे बेस्ट व्यू है वो लेने के लिए हम अब जहाँ से जाएंगे मेहताब बाग, जो यहाँ से हाफ एन आवर दूर है. जस्ट इसके ऑपोजिट साइड है, आई मीन यमुना नदी के दूसरी साइड है, बट आपको घूम के जाना पड़ता है. तो वहाँ से सबसे बेस्ट व्यू आता है. और वहाँ पे शाहजहाँ ने अटेम्प्ट किया था ब्लैक ताज महल बनाने का, जो कि सक्सेस नहीं हो पाया, बट उसकी फाउंडेशन आप वहाँ पे देख सकते हो. तो लेट्स गो टू मेहताब बाग. मेहताब बाग, विद इट्स सिमेट्रिकल लेआउट एंड स्ट्रैटेजिकली प्लांटेड ट्रीज, प्रोवाइडेड एन अनपैरेलल्ड व्यू ऑफ बोथ द ताज महल एंड द साइट वेयर द ब्लैक ताज महल वॉज इंटेंडेड टू स्टैंड. द गार्डन, designed in perfect harmony with the Taj Mahal, became a hidden gem and the best viewpoint for those in search of a quiet spot to reflect upon the tales of love and loss, legacy of love. The Black Taj Mahal may remain a fragment of a dream, but Mehtab Bagh stands as a living testament to the undying love that inspired it. As visitors stroll through the serene garden, they not only witness the breathtaking beauty of the Taj Mahal but also feel the poignant connection between love, loss, and the timeless allure of Mehtab Bagh as the best viewpoint to contemplate the marvels of Agra. Hello everyone, welcome to Travush. And as you can see, I am at the foundation of Black Taj Mahal, and this place is Mehtab Bagh, that is in Agra, Uttar Pradesh. और इस जगह पे एक ब्लैक ताजमहल शाहजहाँ बनवाने वाले थे, बट उनके लड़के ने उनको हाउस अरेस्ट कर दिया था. पूरी स्टोरी है अभी नेक्स्ट चैप्टर में आप सुनोगे. एंड ये ताजमहल है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही पा रहे हो. तो यहाँ की जो एंट्रेंस फीस है फॉर एंट्री फीस है फॉर इंडियंस दैट इज़ अराउंड 50 पर पर्सन एंड 200 फॉर द मुसोलियम, अगर आप ऊपर ताजमहल के अंदर जाना चाहते हो तो. ठीक है, ऑल एंड ऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है. मेहताब बाग भी अच्छा है, मतलब लाइक मेरे हिसाब से निब्बा निब्बी के लिए ज़्यादा अच्छा है. अदर देन दैट, मतलब घूमने के लिए सही जगह है, प्लेजेंट वेदर है और बढ़िया जगह है, आप घूम सकते हो. और दिल्ली से यहाँ तक आने का जो अप्रॉक्सीमेट टाइम है वो 5 आवर्स के अराउंड है. और अपने अपनी गाड़ी से भी आ सकते हो. यहाँ पे एयरपोर्ट की फैसिलिटी भी है, आगरा में एयरपोर्ट भी है. और साथ ही साथ यहाँ पे ऑल द मेजर मतलब रेलवे स्टेशन भी है और बस भी है. तो मतलब आपको यहाँ पे तक पहुँचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, और मैं तो ये कहूँगा कि आपको इजीली ईस्ट गेट और वेस्ट गेट दोनों पे पार्किंग मिल जाएगी, आप अपनी गाड़ी से आओ. ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली से. ठीक है, दिल्ली से दो रास्ते आते हैं, एक वृंदावन से एक्चुअल होते हुए आता है बिल्कुल एकदम साथ में, और एक अपना
आगरा एक्सप्रेसवे है ही जो कि आपको आगे जाके लखनऊ वाले पे मिलता है, तो आप उससे भी आ सकते हो। वो ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट है, फास्ट है, अच्छा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आप पलवल वाले रास्ते और बाकी दूसरे रास्ते से आओ जो कि दिल्ली के आश्रम से होकर निकलता है, ठीक है। और वहाँ से आप आगरा आ सकते हैं, यहाँ पर रीज़नेबल रेट में होटल भी मिल जाते हैं और अल्ट्रा लग्जरी भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब एक रूम 1,00,000 रुपये पर नाइट का भी मिलता है और एक रूम लाइक 100 तो नहीं, एटलीस्ट 200-300 रुपये पर नाइट आपको मिल जाएगा ईजिली। तो ओवरऑल यहाँ का खाना वगैरह काफ़ी अच्छा है, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ का क्यूज़ीन ठीक है, अच्छा है, स्पाइसी फूड है, लिटिल बिट स्पाइसी बट इट्स गुड, ठीक है, आप खा सकते हो। क्यूज़ीन और बहुत मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वेज नॉन वेज, नॉन वेज स्पेशली इन आगरा। एंड आगरा इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स लेदर एक्सपोर्ट्स। सो यहाँ पे आके आप अपने लिए शॉपिंग कर सकते हो, लेदर के बैग्स एंड बूट्स एंड थिंग्स लाइक दैट यू कैन परचेज इन आगरा। और ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। ताजमहल इज़ बेसिकली सिंबल ऑफ लव, सो आप ताजमहल देखिए और नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए। सो यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट जगह है ताजमहल ईस्ट गेट के पास में, मतलब बिगिनिंग ऑफ ईस्ट गेट। अगर आप एक्सप्रेसवे से आ रहे हो तो और ताजमहल जा रहे हो तो ये सबसे पहले पड़ेगा आपको, ठीक है, रास्ते में। ईस्ट गेट स्टार्ट यहीं से ही होता है, ईस्ट गेट का जो रास्ता है। और बढ़िया सा एकदम सेल्फी पॉइंट बना रखा है, काफ़ी मतलब बहुत अच्छा है देखने में, काफ़ी वाइब्रेंट है, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी फोटोज़ आ सकती हैं। और भीड़ तो एकदम ऑलमोस्ट ना के बराबर है, टुडे इज़ सैटरडे नाइट तो उसके हिसाब से तो यहाँ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बट यहाँ कोई भीड़ नहीं है, बहुत लाइट पार्क टाइप बना रखा है। इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू हैंग आउट एट नाइट, यू कैन हैव सम स्नैक्स एज़ वेल। लेट्स टॉक अबाउट आज हमने क्या क्या किया। हम ताजमहल घूमने गए थे और ताजमहल हमने घूमा, बढ़िया था, मज़ा आया, ठीक है। और सेकेंड डेस्टिनेशन हमने आज ली थी मेहताब बाग की, ठीक है, वहाँ से ताजमहल का बहुत अच्छा व्यू आता है। और थोड़ा सा एडवाइजरी है कि जब आप ठंड के मौसम में आओ और जब इतनी धुंध है, जैसे कैमरा में भी आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है, तो इस टाइम पे ताजमहल मतलब आफ्टरनून के बाद ही आप आओ तो आपको ताजमहल बढ़िया दिखेगा और धूप वगैरह होगी, वरना फॉग के टाइम पे मतलब सुबह कम से कम 4 घंटे हमने वेट किया, ठीक है। मैंने तो एडवाइस भी किया था कि मतलब वेट करना चाहिए, लेकिन लोगों को बहुत जल्दी थी जाने की, ठीक है। तो बेसिकली आप आराम से टाइम लेके आओ ताजमहल, क्योंकि सुबह सुबह वैसे भी भीड़ हो ना हो डजंट मैटर, अगर आपको सच में चाहिए ताजमहल बिल्कुल खाली चाहिए तो आपको बिल्कुल सुबह 5 बजे गर्मियों के टाइम पर आना पड़ेगा, इन समर्स ओनली, नॉट इन विंटर्स। यू शुड डेफिनेटली विजिट आगरा इन विंटर्स, it's quite a cool place to hang out. Thank you. So ये हमारा होटल है अतुल्य ताज, ये हमें 3K पर नाइट के हिसाब से पड़ा है विद ब्रेकफास्ट। सो हम लोगों का टोटल खर्चा अराउंड 3,000 का आया, इंक्लूडिंग ट्रैवल एंड एवरीथिंग एंड टिकट्स एंड एवरीथिंग। सो पर पर्सन के देखा जाए तो 4,500 से अंडर में हमने ताजमहल घूम लिया फॉर 2 डेज। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ट्रावूश फॉर मोर कंटेंट, एंड हम आगे भी ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।